सामने वाला मंदिर देखिए भाई साहब कितना लाजवाब बड़ा। तो भाई अब खाना पीना पूरा हुआ तो लगा कि हाँ जान आया, पहुंच गया जल मंदिर। चले तो ट्रेन पता नहीं, अभी एंगल सेट कर रहे हैं, कैसा व्यू आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा पता नहीं। अभी आप लोग को दिखाएंगे हम चौटा पुल, दिखा रहे हैं क्या दिखाएंगे। चलते हैं दलसिंह सराय, जिसको बोलते हैं डीएसएस टू राजगीर। आ गए NH-28। लोग पहुंच चुके हैं बड़ौनी 0 माइल। जीरो माइल यही कहलाता है, 0 माइल। राइट साइड जाएंगे बड़ौनी रेलवे स्टेशन के पास, इधर लेफ्ट चला जाएगा बेगूसराय मार्केट, इधर बेगूसराय मार्केट चला जाएगा। लेकिन अपने को तो जाना है राजगीर ना, तो चलते हैं सीधा सिमरिया चलना है। पाइपलाइन से गैस या तेल गया है, नेशनल हाईवे से साइड साइड से पूरा पाइप बिछाए हुए हैं और यहीं से ले गया कानपुर। बस अपना जाम लगा हुआ भाई साहब, आप कितना उधार है आज आपको लेके चल रहे हैं दलसिंह सराय से, अपने बसंती पे लेके चलेंगे दलसिंह सराय से राजगीर, लेके चल रहे राजगीर। राजगीर के बाद चलेंगे बोध गया, दोनों एक्सप्लोर करेंगे आज। आज एक दिन में तो नहीं हो पाएगा, जितना भी टाइम लगे एक्सप्लोर कर लेंगे। अभी हम लोग मोकामा भी क्रॉस कर चुके हैं, सिमरिया घाट पे ना भाई, सिमरिया घाट नहीं, सिमरिया घाट पे तो भीड़ था। आज पूर्णिमा है ना, पूर्णिमा को लेकर भीड़ इतना ज्यादा, 2 घंटा प्लस लगा हमको राजेंद्र पुल क्रॉस करने में। इसलिए वहां पे हम सोचे थे कि राजेंद्र पुल पे ही शूट करेंगे, लेकिन वहां नहीं कर पाए, इतना ज्यादा भीड़, बहुत ज्यादा भीड़ था। अभी हम मोकामा भी क्रॉस कर चुके हैं, कहाँ है अभी सदहा में है, पीछे देख लीजिए बस स्टॉपेज है, मतलब वेटिंग रूम है, सदहा में है। चलते हैं, यहाँ का लोकेशन देखिए कितना मस्त है, जगह लाजवाब है। देखिए तो देख रहे हैं चारों साइड का गजब गजब एकदम मस्त है। तो चलिए यहाँ से भी आगे चलते हैं, पहले वहाँ आज जल मंदिर आप लोग को दिखाते हैं, जल मंदिर पे पहला स्टॉपेज आज का रहेगा अपने लोग का। तो चलिए चलते हैं आगे और आप लोग को दिखाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, रास्ता का भी नजारा दिखाएंगे। मजा आए तो उस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटा बजाना ना भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं आगे। फ्रेंड्स अपने हम लोग ना जल मंदिर से भी आगे चले आए, सोचे भूख भी लग गया था, खाना लेके आया था दानिश, सोचे थे खाने के लिए खा नहीं पाए, यहाँ आगे आगे तो सोचे पहले पेट पूजा करते हैं फिर चलते हैं जल मंदिर, वहाँ घूमते हैं। चलिए पहले खा लेते आराम से, उसके बाद चलते हैं जल मंदिर। भाई अभी लंच में अपने लोग को आया है चना का, समझ रहे हैं घुगनी या पराठा, उधर बनवा रहे हैं ऑमलेट, बनेगा फिर आराम से पहले खाते हैं उसके बाद बतियाते हैं। तो भाई अब खाना पीना पूरा हुआ तो लगा कि हाँ जान आया, तो अब चलते हैं यहाँ से अपने लोग कहाँ चलेंगे, जल मंदिर वहाँ चलते हैं, फिर आप लोग को दिखाते हैं। आगे चले आए थे तो रास्ता पीछे ही छूट गया, आपको एक्चुअली पता नहीं था, वो भीड़ वहाँ पे जाम काफी था ना, जाम होने के कारण हम लोग को पता नहीं चला और चले आए आगे। जब आगे आके लोकेशन देखे तो भाई वो तो पीछे छूट गया, जब आगे आइए गए तो पहले कहे भाई इससे मन एकदम सुस्ता है, लेते पहले खाना उना खाए उसके बाद चलते हैं। तो अब चलते हैं यहाँ से, फिर आप लोग को मिलते हैं सीधा जल मंदिर पे। चलिए इस साइड ही अंदर गया है, मंदिर जो है ना सामने साइड से रास्ता गया इस साइड, हाँ
जल मंदिर इधर ही है ना, हम आगे चलो चलिए। इस साइड जाना था, हम लोग चले गए थे आगे, वही बहुत आगे। देखिए आउट साइड से ये अपना जल मंदिर। ये भाई कौन सा मंदिर है, ये भी लाजवाब है भाई। जल मंदिर के सामने बिरला मंदिर की तरह लग रहा है ना, बनिए रहा अभी। और अपना इस साइड है जल मंदिर, चलो गाड़ी पार्किंग करते। ये भाई जल मंदिर का एंट्री गेट है, भाई इधर सामने दिख रहा है, ये जो नया वाला मंदिर बन रहा दिख रहा भाई, गजब। तो फ्रेंड्स फाइनली अब जा रहे हैं अंदर, जल मंदिर के अंदर जा रहे हैं। पीछे बैग टांग लिए, हेलमेट सब टांग लिए, मेरा वो नया बोल्ट वनी पीछे लिया है दानिश, और चलते हैं अंदर आप लोग को और दिखाते हैं। चलिए तो ये अपना हुआ गेट जल मंदिर का, चलते अंदर। ओ भाई भाई भाई, भाई। निकलने का रास्ता ये नहीं, नहीं ये भाई मेन गेट नहीं है, ये पार्क गेट नहीं है। ओ भाई ये गलत रूट में हम, मेन रोड नहीं है, अलग आ गए हम। ओ सामने जल मंदिर है, चलिए तो गलत रूट में आ गए हम। क्या है ये जो है ना, रास्ता नहीं था, हम लोग सोचे रास्ता है, रास्ता तो है ही ना। टेम्पल के चारों साइड जो है ना पोखर जो बना है, जिसमें बताया हमको पता चला कि इधर चारों तरफ रेड लोटस लगा हुआ है, लेकिन अभी खाली पड़ा है, लेकिन बस नदी के पोखर के काते काते घूमने वाला वो रास्ता। तो चलिए अंदर मेन गेट से चलना होगा, मेन गेट यहाँ से है टेम्पल का, यहाँ से जाना होगा। चलिए चलते हैं, आप लोग को यहाँ का दिखाते हैं जल मंदिर पावापुरी। देखिए गेट पे लगा हुआ है बिहार टूरिज्म या पावन धरती। चलिए आगे और बताते हैं, यहाँ ये सब वर्ड आता है, प्रवासी पक्षी ना होता है NRI जिसको बोलते हैं, NRI पक्षी, वो सब यहाँ आता है। इतना बड़ा पोखर है ना भाई, क्या बताएं। चलिए चलते हैं, यहाँ जो पक्षी वगैरह है ना बाहर सबसे आता है, मेन तो सब जो बिहार में भी तो बिहारे में है, मतलब जो बेगूसराय के पास एक तो बर्ड सेंचुरी है ना, वैसा ही है, यहाँ भी पक्षी बाहर से आता है। नवंबर तक आता होगा, लेकिन हम कुछ ज्यादा ही लेट कर दिए यहाँ आने में, इसी कारण हमको उतना नहीं नजर आया है, थोड़ा मोड़ा है आप लोग को दिखाते हैं। लेकिन कौन है, सब लोकले है, NRI नहीं है, सब इंडियन है। बत्तख का बच्चा लग रहा है हमको, चलिए दिखाते हैं आपको बैग से। ठंड में आता होगा यहाँ प्रवासी पक्षी, लेकिन अभी हम कुछ ज्यादा ही गर्मी में आ गया ना, इसीलिए। पक्षी को देखिए, कौन सा पक्षी है हम नहीं पहचान पा रहे हैं, अगर आप लोग पहचानते हैं तो फिर कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं आगे, देखिए अपना एक ब्लॉगर आगे आगे चल रहा है, वो हमको बता रहा है कि कैसे कैसे जाना है। चलिए मंदिर के पास चलते हैं, उसके बाद इसका कुछ जो भी हमको इसके बारे में पता है वो आपको बताते हैं आराम से। पहले यहाँ का यहाँ घुमा देते हैं आप लोग को, कैसा लगेगा मंदिर, बड़ा यूनिक, हमको पता ही नहीं था कि भी है ऐसे बिहार में, ऐसा ऐसा चीज है घूमने लायक, हमको पता नहीं था। हम लोग बाहर बाहर जाके घूमे, चंडीगढ़ था, जम्मू कश्मीर था, बिहार टूरिज्म के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। और बिहार में आधा से ज्यादा टेंपल पे तो यहाँ वीडियो नहीं बनाने देता कि कोई जान न ले, घूमने न चला है, भीड़ न हो जाए, पता नहीं क्या है। चलिए चलते हैं दिखाते हैं, पहुंच गया जल मंदिर। चलिए ये गेट हुआ जल मंदिर का, हम बगल से घुस गए, बोले थे यही है। यहाँ फिर शूज वगैरह खोलना होगा, पहले खोल लेते हैं फिर चलते। यहाँ भी वीडियो अलाउड नहीं है, देखिए बोले फोटो लेने के लिए, बोल रहे हैं कि वीडियो करना मना है। ये मंदिर के सामने गेट बना है, हमको पता था कि चारों साइड यहाँ कमल का फूल है, लेकिन भाई अभी तो कुछ नहीं हमको नजर आ रहा है। ये अपना मेन टेंपल हुआ, ये देखिए मेन अपना मंदिर के अंदर का गर्भगृह, जो भी हम जानते हैं यही बोलते हैं इनको, चरम तीर्थ कर। पूजा करने का नियम भी लिखा हुआ है, और साथ में अंदर का देख लीजिए, वाह गजब। घंटी है यहाँ भी, ये भाई साहब है ब्लॉगर, चोरी चोरी चुपके चुपके बना रहे। ये मेन हुआ टेंपल के अंदर का गर्भगृह, जो भी बोलते हैं। अब जैन टेंपल है तो क्या बोला जाता है प्रॉपर हमको पता नहीं है, चारों साइड तो सेम ही डिजाइन है, टेंपल सिर्फ एक कॉर्नर पे है, और आपको
मंदिर तो दिखा दिए लेकिन वीडियो अलाउड नहीं था, हम कैसे हो रिक्वेस्ट करके बना रहे हैं गिम्बल वगैरह मैक वगैरह खोल के, अगर साउंड आवाज में कोई प्रॉब्लम हो तो क्षमा करे, काहे कि अलाउड नहीं है, बोल रहे कोविड के कारण अलाउड नहीं है। देखें नजारा तो काफी अच्छा है, यहाँ का व्यू अच्छा भाई। फ्रेंड्स जहाँ तक हम इस जल मंदिर के बारे में हमको पता चला, आप लोग को बताते चले कि यहाँ पे ना महावीर स्वामी का जो है ना चरण पादुका, अंदर में जो हम बता रहे थे कि गर्भगृह है उसके अंदर महावीर स्वामी का चरण पादुका रखा हुआ है, जो कि जैन के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, उन्हीं का चरण पादुका। और महावीर स्वामी खुद यहाँ पे आ चुके हैं पावापुरी में, और 527 बीसी में जब उनका डेथ हुआ था, पावापुरी में ही उनका डेथ हुआ था, तो उनके जो बड़े भाई थे महावीर स्वामी के, उनके बड़े भाई वो राजा थे नंदीवर्धन। 527 बीसी में जब महावीर स्वामी का डेथ हुआ तो 528 बीसी में ये मंदिर बनाया गया था उनके भाई के, तो बड़े भाई के द्वारा, के बड़े भाई थे नंदीवर्धन, उन्हीं के द्वारा ये टेम्पल बनाया गया था। ये टेम्पल का नाम है महावीर स्वामी जैन वाटर टेम्पल, पूरा नाम इस मंदिर का। तो यहाँ जरूर आइए, विजिट कीजिए वाटर टेम्पल, दीपावली ठंडा में आइएगा ना तो पूरा प्रवासी पक्षी, प्रवासी समझते हैं एनआरआई जो बाहर चल से आता है, वो एनआरआई पक्षी यहाँ बहुत आता है। और पूरा में कमल का फूल होता है लेकिन अभी नहीं है, तो अभी जो था आप लोग को दिखा दिए। तो यहाँ का ब्लॉग कैसा लगा, मतलब मंदिर कैसा लगा यहाँ का, वो हमको बताइएगा कमेंट करके। और वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टा पे जाके फॉलो कीजिए, उसको उसका लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा डिस्प्ले पे भी, और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको दे देंगे, तो आपको वहाँ का लेटेस्ट जानकारी मिलते रहेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ का नेक्स्ट ब्लॉग आने वाला। तो चलिए इस ब्लॉग को रखते हैं इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।